हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल की। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पिछली वीडियो में मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिए होंगे, तो आपको मेटल्स क्या होती है एक आइडिया क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ फोकस करते हैं। तो जनरली स्टूडेंट्स, जब हम इन मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो हमको मिलते हैं मेटल ऑक्साइड्स। जैसे कि यहाँ लिखा भी है कि मेटल प्लस ऑक्सीजन दोनों को मिलाने पे हमको मिलता है मेटल ऑक्साइड्स। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि हम मेटल ले रहे हैं पोटेशियम, जब उसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करवाएंगे तो हमको मिलता है पोटेशियम ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। वो है जब हम इन मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो हमको मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस भी वहां से निकलती है। इसलिए यहाँ लिखा भी है कि मेटल प्लस वाटर जब इनको मिलाएंगे तो हमको मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड एंड देन हाइड्रोजन। ओके, हालांकि एक बात ये है कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो हैं वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है, मगर अगर ये रिएक्शन कर जाती है तो फिर हमको मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है एंड साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि जैसे सोडियम की अगर रिएक्शन, सोडियम क्या एक मेटल है, उसकी रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाएंगे इट मींस H2O से करवाएंगे तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है एंड साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। ओके स्टूडेंट्स, जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की वो ये है कि जब इन मेटल्स की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ करवाई जाती है तो हमको मेटल के सॉल्ट मिलते हैं एंड अगेन हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, इसलिए लिखा भी है कि मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड तो हमको मिलता है मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर इसके एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जो हम सोडियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाएंगे जो कि डाइल्यूट होगा, तो उस केस में हमको सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट मिलता है एंड साथ में हाइड्रोजन गैस वहां से रिमूव होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। वो ये है कि अगर एक मेटल की रिएक्शन किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट से करवाएंगे तो उस समय क्या होता है, अगर सपोज कर रहे हैं हम दो मेटल ले रहे हैं, एक मेटल ए है एंड एक मेटल बी है, तो उस केस में हम मेटल ए की रिएक्शन मेटल बी के सॉल्ट से करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट ऑफ मेटल ए। तो मेटल ए का सॉल्ट मिल जाएगा और मेटल बी अलग हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देख चुके थे चैप्टर वन में। चैप्टर वन था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगर आपने वहां पे नहीं समझे स्टूडेंट्स की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है तो पहले आपको समझना चाहिए। चलिए इसकी एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर बात करें तो क्या होगा कि आयरन की रिएक्शन जब हम कॉपर सल्फेट से कर रहे हैं, ओके आयरन क्या है, बेसिकली एक मेटल है एंड दूसरी मेटल कॉपर है, उसका जो सॉल्ट ले रहे हैं वो है कॉपर सल्फेट, तो उस समय आयरन और सल्फेट मिलकर के आयरन सल्फेट बनाते हैं एंड कॉपर अलग हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये थी हमारे पास कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर स्टूडेंट्स आपको हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।